महाराष्ट्र चुनाव में प्रचार के दौरान नेताओं द्वारा जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है। वहीं कभी कभी नेता जनता को संबोधन करते हुए कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे उनकी और उनकी पार्टी दोनों के लिए मुसीबत बन जाती है। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है जहां बीजेपी उम्मीदवार बबन राव लोनिकर ने ऐसा विवादित बयान दिया है जिसके कारण चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया है। बीजेपी उम्मीदवार ने कथित रूप से यह बयान दिया था कि उन्हें चुनाव जीतने में कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि उन्होंने क्षेत्र की जनता के बीच पैसे बांट दिए हैं। लोनिकर को उनके बयान के लिए जालना जिला निर्वाचन अधिकारियों ने गुरुवार को उन्हें नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। लोनिकर के बयान को वोटर्स को अनैतिक तरीके से प्रभावित करने के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इसके बाद बीजेपी नेता ने सफाई देते हुए कहा कि पैसे बांटने की उनकी बात को गलत तरीके से लिया गया है। इससे उनका मतलब विकास के लिए धन दिए जाने से था, वोट लेने के लिए पैसे बांटने से नहीं। लोनिकर के इस बयान के बाद उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद चुनाव आयोग ने इस बात का संज्ञान लिया और लोनिकर को नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब किया है। वहीं विपक्षी पार्टियां अब लोनिकर के बयान का विरोध कर रही हैं। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने लोनिकर के बयान का पुरजोर विरोध किया है। कांग्रेस ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के उपाध्यक्ष रत्नाकर महाजन ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर शिकायत भी दर्ज करवाई है। पत्र में उन्होंने कहा, लोनिकर के बयान से स्पष्ट हो रहा है कि मंत्री चुनाव जीतने के लिए किस तरह पैसे बांट रहे हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। चुनाव आयोग को आचार संहिता के उल्लंघन मामले में उन पर केस दर्ज करना चाहिए और उनकी उम्मीदवारी रद्द कर देनी चाहिए। बीजेपी उम्मीदवार के इस बयान से पता चलता है कि चुनाव जीतने के लिए वह जनता के बीच पैसे बांटते हैं। कहीं न कहीं अनजाने में उनके मुंह से चुनाव में जीत हासिल करने के लिए उनकी सच्चाई सामने आ गई है। खैर, अब देखना यह होगा कि बीजेपी उम्मीदवार के इस बयान के बाद चुनाव आयोग उनका नामांकन रद्द करता है या नहीं। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से यूट्यूब एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को यूट्यूब की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।